रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू रियाज किचन। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक है, अच्छे होंगे इंशाल्लाह ताला। न्यू में आपके लिए जो स्पेशल हम लेके आए हैं वो है स्पैगेटी, बहुत मज़ेदार, यमी और झटपट से इजी से तैयार हो जाने वाली रेसिपी। चलिए इसकी प्रिपरेशन की तरफ चलते हैं, साथ के साथ आपको इसकी डिटेल प्रोवाइड करते रहेंगे। जी बहुत मज़ेदार से झटपट से हमारी स्पैगेटी तैयार हो रही है। 2 टेबल स्पून ऑयल ले लिया, उसमें 1 टेबल स्पून गार्लिक ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो हल्का सा इसको मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद जब तक इसको खुशबू आ जाए इसको थोड़ी सी देर भूनेंगे। ऑयल ऑलरेडी गर्म था इसलिए खुशबू आने लग पड़ी फौरन से ही। इसमें हम साथ ही कैरेट्स को ऐड कर देते हैं। ठीक है, कैरेट को मिक्स कर ले, तो मिक्स कर लीजिए। सबसे पहले कैरेट ऐड किया है, उसके बाद ये चिकन है। चिकन को मैंने विनीगर और चिली फ्लेक और सॉल्ट ऐड करके इसको मैंने कुक करके इसको छोटे छोटे पीसे इसके कर लिए हैं। ठीक है, इसको ऐड कर दिया, मिक्स कर लीजिए अच्छे से। टाइम सेव करने के लिए मैंने इसकी प्रिपरेशन जो थी जिसमें टाइम ज़्यादा होता है चिकन है वो मैंने मैरिनेट करके कुक करके इसको मैंने इसके पीसेस कर लिए थे। इसको 2 मिनट तक हल्के से फ्लेम के ऊपर कुक कर लीजिए गार्लिक के साथ, ताकि इसका अच्छे से फ्लेवर इसमें ऑब्जर्व हो जाए। ठीक है, आफ्टर 2 मिनट्स इसमें हम ऐड कर रहे हैं कैबेज। हमें अपनी दुआओं में याद रखिए। ये देखिए, इसको मिक्स कर लीजिए अच्छे से। मिक्स करने के बाद इसमें कैप्सिकम ऐड करें, कैप्सिकम भी ऐड कर दिया। कैप्सिकम ऐड करने के बाद इसे मिक्स कर लीजिए। इसको हमने बिल्कुल ही कुक नहीं करेंगे, बस हल्का सा इसे फ्राई कीजिए। ये देखिए बहुत ही कलरफुल, मज़ेदार, यमी सी स्पैगेटी तैयार हो रही हैं, बहुत मज़े की हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हमारे चैनल को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि मज़े मज़े की रेसिपीज़ की अपडेट्स आपको मिलती रहें। तो यहाँ तक हमने इसको कुक किया। ठीक है, अब इसमें ऐड कर देंगे चिली फ्लेक, तकरीबन 1/2 टेबल स्पून है। सोया सॉस, सॉल्ट हम एंड में ऐड करेंगे क्योंकि इसमें भी सॉल्ट होता है। इसको मिक्स कर दीजिए। ठीक है, मिक्स करने के बाद इसमें हम सोया सॉस इसमें ऐड किया है, राउंड अबाउट 3 टेबल स्पून था। विनेगर भी राउंड अबाउट 3 टेबल स्पून है जो इसके मैं इसमें ऐड कर दिया। ठीक है, ऐड करने के बाद इसको इसमें मिक्स कर दीजिए। इसमें ऑरिगेनो ऐड कर दीजिए राउंड अबाउट 1/2 टेबल स्पून। मैं 1/2 टेबल स्पून के करीब इसमें ऑरिगेनो ऐड कर दिया, मिक्स किया। मिक्स करने के बाद अब इसमें मैं सॉल्ट ऐड करूँगी। हाफ टेबल स्पून इसमें सॉल्ट ऐड कर दीजिए। ठीक है, एज योर टेस्ट का, अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट इसको ऐड कीजिए। ठीक है, मिक्स कर लीजिए। मिक्स करने के बाद यहाँ पे मैंने टमाटो सॉस तैयार करके रखी है। सिंपली टमाटोज को मैंने बॉईल किया। बॉईल करने के बाद इसमें चिली फ्लेक, सॉल्ट और 2 टेबल स्पून मैंने इसमें शुगर यानी कि चीनी ऐड करने के बाद इसको ब्लेंड कर दिया। अच्छे से ब्लेंड करने के बाद ये टमाटो सॉस ये जो है वो प्रिपेयर हुआ। इसको मैं हाफ ऐड कर दूंगी इसमें। ठीक है,
इसको मिक्स किया। मिक्स करने के बाद इसमें हम अपने स्टैटिस नूडल्स जो कि बॉईल करने के बाद इसको ठंडे पानी से स्टेन कर लीजिए और एक बार इसको ठंडे पानी से गुजार लीजिए। तो ये आपके जो स्टैटिस नूडल्स हैं ये प्रिपेयर हो जाएंगे। इसमें ऐड कर दीजिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एडिंग किया, एडिंग करने के बाद इसको मिक्स कर लीजिए। अब इसको मिक्स कर लीजिए अच्छे से। अच्छे से मिक्स कीजिए। बहुत मज़ेदार और यम्मी से डिलीशियस से झटपट से हमारी स्पैक्टिस तैयार हो जाती है। टेस्ट करने में भी बहुत ही डिलीशियस है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए। हमें ज़रूर बताइएगा कि आपने ट्राई किया तो कैसा लगा। अपनी राय से आगाह ज़रूर कीजिएगा। आपकी राय हमारे लिए बहुत प्रीशियस है। अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको डिश आउट करेंगे। लीजिए हम डिश आउट कर चुके हैं। बहुत प्रैक्टिस बिल्कुल तैयार है। बहुत मज़े की, बहुत यमी, बहुत आसान रेसिपी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में फिर से हाजिर होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। रमेश।